हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जब उस डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, या तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस होगा। ठीक है, तो यहां पे जो डाइपोल पे फोर्स लगेगा वो रोटेटिंग इफेक्ट वाला होगा, मीन्स टॉर्क लगता है, और वो किसके कारण लगता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है। तो यहां जो फोर्स कंसिडर होगा वो एक्सटर्नल होगा, तो उसके कारण जो भी वर्क डन होगा वो एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल पे क्या करेगा, टॉर्क लगाएगा। उस टॉर्क के कारण क्या होगा, डाइपोल या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना। तो यहां पे रोटेटिंग फोर्स है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन होता है उसकी जगह यहां पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा डाइपोल पे उसको हम कैसा कंसिडर करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करेंगे। तो हम डायरेक्टली इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन टोटल कैलकुलेट करेंगे, मींस टॉर्क के कारण जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और वही वर्क डन एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। तो देखिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो सबसे पहले हम छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वर्क डन जो डी थीटा एंगल के रोटेशन में होगा, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, वो क्या होगा, वो छोटा सा वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू से इंडिकेट कर दिया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का सिंबल ये होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हम ले रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फिर, पी क्रॉस ई, है ना, जो कि फिर आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, पी ई साइन थीटा। यहां थीटा क्या है, यहां थीटा है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये हमको छोटे से वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा जो है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पर्टिकुलर सिचुएशन में सेम ही फिक्स ही होंगे, इसलिए वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि रोटेशन के दौरान जो है वो एंगल ही वेरी करेगा, इसलिए साइन वाले टर्म का जो है वो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस थीटा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो वर्क डन हमको क्या मिल गया, टोटल एक नेट डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए माइनस में पी ई कॉस थीटा। तो यहां चूंकि डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा जो है वो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है ना, तो अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन किसका मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट का मिलेगा। तो यहां पे हम माइनस साइन तो एज इट इज ही रह जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पी डॉट ई में। ठीक, और ये वर्क डन किसके कारण है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के कारण है। तो यही पूरा एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे डाइपोल का स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे बहुत से बहुत हम स्पेशल केसेस डिस्कस कर सकते हैं, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सिर्फ माइनस में पीई, क्योंकि कॉस 0 1 हो जाता है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
माइनस में पी ई तो जो है वो तो है ही, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में पी ई हो जाएगा। तो ये स्पेशल केसेस हो जाते हैं डाइपोल के। क्लियर है ये चीज?